आरिफ मोहम्मद खान बने केरल के राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्रा का राजस्थान हुआ तबादला। दिग्विजय सिंह ने लगाया बीजेपी और बजरंग दल पर ISI से फंडिंग का आरोप, बजरंग दल ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुआ करार, सितंबर से बदल गए नए स्विस बैंक के गोपनीयता के नियम, काले धन का पता लगाना हुआ आसान। NRC पर भड़की ममता बनर्जी, कहा भारतीय नागरिकों के साथ न्याय हो। असम के भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने कहा हमें इस NRC पर भरोसा नहीं, हमें केंद्र और राज्य सरकारों से राष्ट्रीय स्तर पर NRC तैयार करने की अपील करते हैं। बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में मोटर व्हीकल संशोधन कानून लागू हो गया, राजस्थान के परिवहन मंत्री ने की जुर्माना राशि की समीक्षा की बात। 1 सितंबर से आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दी चुनाव की तैयारियां, जनसंवाद यात्रा के दौरान नेता जनता के सवालों का देंगे जवाब। चुनाव आयोग ने 1 सितंबर से शुरू किया वोटर ID वेरिफिकेशन अभियान, 15 अक्टूबर तक चलेगा। जनरल और OBC छात्र भी ले सकेंगे केजरीवाल सरकार की फ्री कोचिंग सेवा, इससे पहले से कोचिंग सिर्फ आरक्षित श्रेणी के लिए उपलब्ध। भारतीय तेज गेंदबाज बुमराह ने सवीना पार्क में खेले जा रहे दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में ली हैट्रिक।